जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 21 अप्रैल को IPL 2023 का मैच नंबर 29 चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होने जा रहा है, और जिसके लिए दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को धूल चटाने के लिए अपनी अपनी टीमों में काफ़ी बड़े बदलाव भी कर दिए हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम के मैदान में दोनों ही टीमें किस खूंखार प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली हैं और इस पिच पर कितना स्कोर बनाना सेफ रहेगा। वहीं दोस्तों, हम बात करेंगे कि यह पिच किन गेंदबाजों को ज्यादा मदद करती है, और अभी तक इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हेड टू हेड IPL मुकाबलों की भी बात करेंगे कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। भाई दोस्तों, हम मैच प्रोडक्शन भी करेंगे कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, इसलिए दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप महेंद्र सिंह धोनी और एडम मार्करम में से किसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इन दोनों ही टीमों में से एक टीम अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, जबकि दूसरी टीम अपने मुकाबले को जीत कर आ रही है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को 8 रनों से हराया था, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स का कॉन्फिडेंस हाई होगा और अब उसकी निगाहें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का सुपड़ा साफ करने पर होंगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला था, जिसमें उसे 14 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, और अब उसे चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम से भिड़ना होगा। वहीं दोस्तों, यदि हम IPL 2023 में पॉइंट्स टेबल में इन दोनों ही टीमों की स्थिति की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5 मैचों में 3 जीत और 2 हार के साथ नंबर 3 की टीम बनी हुई है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ नंबर 9 पर खड़ी है। इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस मैच को जीतना बहुत ही जरूरी बन जाता है। वहीं दोस्तों, यदि हम एम चिदम्बरम स्टेडियम के पिच की बात करें तो IPL 2023 में अभी तक इस पिच पर कुल 2 ही मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दोनों ही मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। इसलिए इस पिच पर टॉस बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, और जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वह पहले बल्लेबाजी करना चाहिएगी। भाई दोस्तों, इस पिच पर अलग एवरेज बैटिंग स्कोर की बात करें तो पहली पारी का एवरेज बैटिंग स्कोर 196 का रहा है, जबकि दूसरी पारी का एवरेज बैटिंग स्कोर 188 का है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच एक हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, क्योंकि ये पिच बल्लेबाजी के लिए एक शानदार पिच मानी जाती है। भाई दोस्तों, अगर बात करें कि ये पिच किन गेंदबाजों को ज्यादा मदद करती है, तो आपको बता दें कि IPL के पिछले 2 मुकाबलों में इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, क्योंकि इन दोनों ही मुकाबलों में स्पिन गेंदबाजों ने कुल मिलाकर 16 विकेट चटकाए हैं, जबकि तेज गेंदबाजों को मात्र 11 ही विकेट मिले हैं। इसलिए हम दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही टीमें आज के मैच में अपनी टीमों में एक एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकती हैं। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि दोनों ही टीमें आज के मैच में किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। अगर दोस्तों हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो मैच से पहले उसके लिए एक गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सैंटनर अब पूरी तरह से अपनी बीमारी से उभर चुके हैं और इस मैच के लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। तो इस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 आज के मैच में कुछ इस तरह की रहने वाली है कि पारी की शुरुआत एक बार फिर से दाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे उतरेंगे। हालांकि पिछले 2-3 मुकाबले ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन आज के मैच में महेंद्र सिंह धोनी को उनसे एक अच्छी पारी की उम्मीद होगी। वहीं उनके जोड़ीदार डिवॉन कॉनवे लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। डिवॉन कॉनवे ने RCB के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में 45 गेंदों में 83 रनों की आक्रामक पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए थे। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर एक बार फिर से इनफॉर्म बैट्समैन अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए पिच पर उतरेंगे। अजिंक्य रहाणे ने RCB के खिलाफ पिछले मैच में 20 गेंदों में 37 रनों की अहम पारी खेली थी, जबकि इसके बाद नंबर 4 पर शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मजबूती देते हुए देखे जाएंगे। दोस्तों, शिवम दुबे ने RCB के खिलाफ पिछले मुकाबले में 27 गेंदों में 192 के स्ट्राइक रेट से 52 रनों की अर्धशतक की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 5 बड़े छक्के लगाए थे। जबकि इसके बाद नंबर 5 पर अंबाती रायडू, नंबर 6 पर मोइन अली, नंबर 7 पर भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। वहीं इसके बाद नंबर 8 पर कप्तान MS धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, जबकि इसके बाद नंबर 9 पर तुषार देशपांडे, नंबर 9 पर महेश थिक्साना और नंबर 11 पर मिचेल सैंटनर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाएंगे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो तेज गेंदबाजी कमान तुषार देशपांडे और शिवम दुबे के हाथों में होगी, जबकि स्पिन गेंदबाजी कमान मिचेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा, मोइन अली और महेश थिक्साना के हाथों में होगी। वहीं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के इंपैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गेंदबाजी करेगी तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह अंबाती रायडू की जगह टीम में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 आज के मैच में कुछ इस तरह की रहने वाली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पारी की शुरुआत एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रुक और मयंक अग्रवाल करने आएंगे। हैरी ब्रुक ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में 9 ही रन बनाए थे, लेकिन आज के मैच में उनके कप्तान एडम मार्करम को उनसे एक शानदार पारी की उम्मीद होगी। जबकि दूसरे सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मुकाबले में 41 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पर कप्तान एडम मार्करम टीम को मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी लेते हुए देखे जाएंगे, जबकि इसके बाद नंबर 5 पर अभिषेक शर्मा, नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज हैरिस क्लासन बल्लेबाजी करते हुए देखे जाएंगे। दोस्तों, हैरिस क्लासन ने मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ 16 गेंदों में 36 रनों की आक्रामक पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे।
जबकि स्क्वायर नंबर 7 पर अब्दुल समद, नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर मार्को जॉनसन और आदिल रशीद में से कोई एक, जबकि अंत में नंबर 11 पर मयंक मार्कंडे बल्लेबाजी करते हुए देखे जाएंगे। भाई दोस्तों, यदि हम राजस्थान हैदराबाद के गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो एक बार फिर से तेज गेंदबाजी कमान भुवनेश्वर कुमार और मार्को जॉनसन के हाथों में होगी, जबकि स्पिन गेंदबाजी की कमान एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर और मयंक मार्कंडे संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के इंपैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम गेंदबाजी करेगी तो अब्दुल समद की जगह टी नटराजन या बिभ्रांत शर्मा में से कोई एक टीम में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 आज के मैच में कुछ इस तरह की रहने वाली है। वहीं दोस्तों, यदि हम इस मैच की मैच प्रोडक्शन की बात करें तो अभी तक इन दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें, दोनों ही टीमों के बीच अभी तक कुल 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 13 बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीत हासिल की है तो 5 बार हैदराबाद की टीम भी जीतने में सफल रही है। इस लिहाज से आज के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी दिख रहा है और वह इस मैच को जीतती हुई नजर आ सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज के मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है, हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।